गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी और मैं इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी से हूं और मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूं। रिसेंटली मैं इंडियन नेवी से रिटायर हो चुका हूं। और जैसे कि मुझे हमें क्या क्या किस किस की ज़रूरत पड़ती है, क्या प्रोसीजर है, कैसे भेजना है, तो मैं जस्ट बता देता हूँ आप लोगों को। थोड़ा एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और जैसे कि हमारा सबमिशन लास्ट डेट जो है वो है 23 सितंबर से लेके लास्ट डेट हमारा 22 अक्टूबर। आज सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 22 अक्टूबर 19 तारीख तक लास्ट डेट है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लोगों के लिए 29 तक बढ़ाया गया है, क्योंकि वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इसलिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर निकालना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में जाके। किसके नाम पे आप चेक कर लीजिएगा, जो आपका रेस्पेक्टिव स्टेट में जो कॉलम 4 है उसी के नाम पे निकालना होता है। और कॉलम 5 में जो है वो जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे बुलेट होता है, तो आप पता कर लीजिएगा आप अपना पोस्ट ऑफिस में। और जो एड्रेस होता है वो कॉलम 3 में जो लिखा गया है वो एड्रेस लिखना ज़रूरी होता है। सर्विसमैन और SC ST कैंडिडेट्स लोगों के लिए कोई फ़ी नहीं होता है। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या प्रोसीजर है, हाइट मिनिमम हो जानी होनी चाहिए और जिसका प्रेफरेंस है वो गर्वल वगैरह जो चेक कर लीजिएगा एज़ पर नोटिफिकेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो 1.6 किलोमीटर का होता है, 6 मिनट 30 सेकंड का होता है टाइमिंग, तो आसानी से आप लोग क्रैक कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो वेट एंड हाइट, चेस्ट वगैरह मेजरमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे ये 10th और डोमिसाइल, कास्ट, डिस्चार्ज बुक, जितने जो सर्विसमैन होते हैं उसका डिस्चार्ज बुक होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होते हैं उनका NOC चाहिए ज़रूरत होती है, ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकी ज़रूरत होती है। ट्रेड टेस्ट जो है रेस्पेक्टिव ट्रेड प्रैक्टिकल्स होता है, जो आपने अप्लाई किया है जिस डिपार्टमेंट में उसका आपका होता है। रिटन एग्ज़ाम GK GS एंड मैथ्स होता है। और मेडिकल टेस्ट उसके बाद होता है, रिटन के बाद, जब रिटन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच चाहिए वहाँ पे जहाँ पे ग्राउंड के पास जाते हैं, तो जिस मैंने बताया इस तरह का हम आप देख लीजिएगा क्या क्या किस किस की ज़रूरत होता है। और रिटन टेस्ट बबलिंग होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ब्लैक और ब्लू पेन से बबलिंग करते हैं। कुल मिलाकर 100 मार्क के होते हैं, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज एग्ज़ाम होती है और साथ में एलिमेंट्री मैथ्स होता है। ये अंग्रेज़ी और हिंदी में दोनों आप लोगों को दिया गया है। ये नॉर्थ इंडियन के लिए फ़ायदा है, लेकिन साउथ इंडियन लोगों के लिए अंग्रेज़ी और हिंदी का दोनों मुश्किल होता है उन लोगों के लिए। तो इस मौके को आप अवेल कर लीजिएगा। जैसे पोस्टल ऑर्डर जो होता है, हम जैसे कि मैंने बताया, जो पोस्टल ऑर्डर जैसे कि आंध्रा कैंडिडेट्स के लिए जिस हिसाब से मैंने लिखा है वैसे उनको लिखना पड़ता है। पोस्टल ऑर्डर जो निकालना पड़ता है वो इन द नेम ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट लैंड DDO CISF SZ हेडक्वार्टर्स चेन्नई, जहाँ पेएबल पोस्ट ऑफिस है वो GPO चेन्नई है। ये आप चेक कर लीजिएगा अपनी रेस्पेक्टिव कॉलम में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अटैच करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरह से अपेंडिक्स ए जो है पेज नंबर 26 से लेके 29 तक आप प्रिंटआउट ले लीजिएगा, और पूरा चारों पेज आप लोगों को फिलअप करना होता है। और उसके साथ साथ जो फिलअप करते हो अच्छी तरह से फिलअप करिए, और जो पोस्टल ऑर्डर फॉर्म भी ज़रूरत होता है। बाकी पेज जो है रेस्पेक्टिव उन लोगों के लिए होता है 29 और 31 वगैरह, जो लोग सर्विसमैन होते हैं उनका अपना पेज अलग है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होता है उनका अलग है, जो SC ST होता है उनका अलग फॉर्म भरना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए अपना टेंशन लेने दो। यहाँ पे क्या है, पोस्टल ऑर्डर जो निकालते हैं, जो पोस्टल ऑर्डर है वो पक्का उसके साथ अटैच करिए, फ़ोटो साइन वगैरह, फ़ोटो स्टेपल मत करिएगा, ग्लू से चिपकाइएगा गम से, और साइन अच्छी तरह से करिएगा, बॉक्स के बाहर ना जाने दो। थम इम्प्रेशन अच्छी तरह से करिएगा, ज़्यादा इंक मत डालिएगा हाथ में जिससे प्रॉब्लम हो जाएगा, गुडनेस अच्छी तरह से होना चाहिए। अटैच अगर अटैच करनी है 10th डोमिसाइल आधार इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर करना है तो अगर आपका सभी जगह पे आधार में या 10th क्लास सर्टिफिकेट में जिस हिसाब से नाम है पूरा नाम है तो पूरा नाम आधार में होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी, वहाँ पे जाने के बाद वापस आ जाओगे अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो अच्छी तरह से उसका चेक कर लीजिएगा। नाम सही होनी चाहिए, कोई इनिशियल्स नहीं चलेगा, ठीक है। और पोस्टल ऑर्डर जो होता है वो जो एनवलप के ऊपर लिखा रहता है, जैसे कि मैंने आंध्रा वालों का लिखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा। जैसे अपना खुद का पोस्टल ऑर्डर जो कॉलम में दिया गया है कॉलम 3, उसमें चेक कर लीजिए। वो 22 अक्टूबर तक आप अपना रेस्पेक्टिव उसमें भेज दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे इस वीडियो और मैंने आपको लगता है कि मैंने मेहनत किया है तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा। और मैं अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है और आप लोगों को चाहता है कि कोचिंग इसका दें तो मैं इसका कोचिंग दे सकता हूँ। और ये बहुत ही मैं आसानी से तरीके से बता सकता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास बच्चे लड़के लोग आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, तो अगर आपको लगता है, अगर आपको दूर है तो मैं मानता हूँ दूर है, एक बार आओगे
कोचिंग लोगे फिर चले जाओगे, दूर से क्या मतलब है, अच्छी तरह से नया जगह देखोगे। और आपका जो ट्रेनिंग है, जो चार्जेस रहेगा वो सिर्फ 1500 रुपये रहेगा हर महीना का, और आपको जो फूड चार्जेस है वो अपने जेब से देना पड़ता है। मैं आपको शेल्टर प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं काबिलियत हूँ, तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा, वो है 7666-730-252। और ये मेरा फेसबुक में भी आप देखोगे ICTA स्पेस कदरिया, आपको मेरा डिटेल्स पूरा पता चली जाएगा। आप मोबाइल नंबर यहाँ नीचे देख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों को शेयर करिएगा, उनको अच्छी तरह से पता चली जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।